वेलकम टू ज्योति खरेज किचन। आज हम लोग बनाएंगे सूजी की बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो काले जाम से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और 10 मिनट्स के अंदर आप इसे झटपट घर पे तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें काला जाम डिप करने वाली जो चाशनी होती है, उस टाइप की चाशनी बनानी है। इसके लिए हमें एक गिलास पानी में आधा कटोरी चीनी को ऐड करके लगातार लो फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है। जब इसमें अच्छा बॉयल आने लगे, तब इसमें एक टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए और थोड़ी देर बॉयल होने के बाद अब इसमें आधा नींबू का रस ऐड करके इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और अब हम लोगों को सूजी थोड़ी सी रोस्ट करनी है। उसके लिए 2 टेबल स्पून देसी घी लेके उसमें आधा कटोरी सूजी ऐड करिए। इस सूजी को आप अगर थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे तो ये और अच्छी हो जाएगी। ग्राइंड करके इसमें ऐड करेंगे तो मिठाई और टेस्टी बनेगी। हल्का सा सूजी को रोस्ट करने के बाद अब 1 कटोरी मिल्क ऐड करना है और उसे लगातार चलाते रहना है। वो इस तरह से मिक्स हो जाएगी और अब उसे हल्का ठंडा करके उसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर ऐड करिए और अब इसमें थोड़ी सी पिसी इलायची पाउडर ऐड करिए और अब इसमें बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसे बहुत अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इनका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। देखिए, इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। अब इस डो में हाथ पे थोड़ा सा घी लगाते हुए इसको इस तरह से स्मूथ करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। इस तरीके से अब इन पेड़ों को आपको शैलो फ्राई करना है। आप ऑयल गरम करके लो फ्लेम पे इसे इस तरह से शैलो फ्राई करिए। इन्हें फ्लिप करते हुए शैलो फ्राई कर लीजिए और ये फ्राई करते समय थोड़ा सा फूल जाएंगे और ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे। अब आप इन्हें निकाल के उस चाशनी में डिप कर लीजिए और इन्हें 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए, जिससे कि चाशनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी पिसी हुई गरी या किसी भी तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मलाई या दही डाल के भी खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।